children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsharif.com। नमस्कार, मैं हूं तुषाली, आप देख रहे हैं आईटी सिटी न्यूज नेटवर्क। नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के अंतर्गत आत्मा गांव, ये वही गांव है जहां पूरे वर्ष वेदान सुनसान सन्नाटा पसरा रहता है। हर रोज यहां के ग्रामीण जल, नाली, मकान, कचरे इत्यादि कई कई परेशानियों से गुजरते रहते हैं। यहां ना तो अब तक कोई विकास हुआ है और ग्रामीणों की मांग के बाद भी ना कोई नेता या फिर कोई मंत्री ने इस गांव के विकास के प्रति कोई ध्यान दिया है। ये गांव की वो तस्वीर है जो आज से 2 महीने पहले जब हमारे संवाददाता धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे थे इस गाँव में, तब की तस्वीर है। ये गांव और आज शिवरात्रि के मौके पे इस गांव की चहल पहल एक अनोखी ही मिसाल है। यहां हर वर्ष शिवरात्रि के मौके पे एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। पुराने जमाने के मंदिरों में विराजमान भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। मेले में कई तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं, साथ ही कुश्ती प्रतियोगिता भी आयोजित किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं आत्मा गाँव हमारे संवाददाता धर्मराज युधिष्ठिर के पास। वेलकम, नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज और शिवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और वैसे में मैं आ गया हूँ एक गांव जो इस्लामपुर प्रखंड में पड़ता है यानी नालंदा जिला में, उसका नाम है आत्मा। और देख सकते हैं मेरे पीछे मेला लगा हुआ है, बच्चे उछल कूद रहे हैं, चारों तरफ दिखाए कैमरामैन। पुराना मेला है, कहते हैं पूर्वज के जमाने से ये मेला लगता आ रहा है। एक बार पहले भी आने का मौका यहाँ मिला था, उस समय कुछ इस ढंग का माहौल नहीं था, लेकिन आज आप देख सकते हैं जहाँ इतना बड़ा मेला लगता हो। और मेला का नाम सुनते ही उधर भी दिखाएं, झूला भी है और फिलहाल दंगल प्रतियोगिता भी होता है, उसको भी दिखाऊंगा मैं। तो कहने का मतलब है मेला का नाम सुनते ही जहन में वही तस्वीर दौड़ने लगता है जो आपने देखा था मेला, लेकिन वो तस्वीर में देखा था, सिनेमा घर में देखा था, लेकिन ये नेचुरल मेला लोगों के साथ और दंगल, झूला, उछल कूद रहे बच्चे, कुल मिलाकर शिवरात मनाया जा रहा है जो कि धूमधाम से गांव वालों की मदद से बरसों से चलता आ रहा है। तो जो कुश्ती होने वाला है मुकाबला आप ही करेंगे क्या? हाँ जी, हम ही करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश राम है। राजेश राम है, कितने दिन से कुश्ती लड़ते आ रहे हैं? कुश्ती कभी नहीं लड़े हैं, लेकिन लड़ेंगे। कुश्ती कभी नहीं लड़े, आज पहली बार लड़ रहे हैं। तो कहाँ से आए आप? बस आत्मे से। बस इसी गांव से हैं। और आपका प्रतिद्वंदी कौन है, लड़ेगा कौन आपसे? आप बताएंगे। यही है तो ये है दूसरे योद्धा, थोड़ा सामने से हट जाए। आपका क्या नाम है? वेलागंज। पहली बार कुश्ती लड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं 2017 से। 2017 से लड़ रहे हैं और युवा हैं, देख सकते हैं छरहरे कद का खिलाड़ी, हालांकि उतना गठीला बदन नहीं है, फिर भी गांव के लड़के हैं और इतने सारे भीड़ इकट्ठा है, खुद ब खुद कहते हैं सपोर्ट मिलने के बाद हीरो हो जाता है खिलाड़ी। तो कैसा लग रहा है यहाँ कुश्ती लड़के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, इन्हीं से लड़ाई होगा आपका? दोनों पहले हाथ मिलाएं। तो कुश्ती का खेल जरासंध के जमाने से चलता आ रहा है जो इतना आकर्षक होता है कि देख सकते हैं कलयुग के जमाने में भी इतना भीड़ इकट्ठा है इस दिलचस्प खेल को देखने के लिए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम मुनेश्वर प्रसाद है। तो अच्छा अच्छा क्या करते हैं बाबा, मतलब आप? दंगल यहाँ लगवाया करते हैं। आप ही लगवाते हैं? तो कितना बरस पहले से लगवा रहे हैं दंगल? बहुत दिन पहले से। और आपका गांव कहाँ है सर? मेरा गांव यही का भैलुआ बिघा टोला है। भैलुआ बिघा का टोला है। तो एक कुश्ती अपने मतलब गांव वाले ही लोग लड़ते हैं कि दूर दूर से आते हैं? दूर से, बहुत पहले दूर से आते थे, अब तो कमी हो गई है जी। तो कहने का मतलब है गांव काफ़ी दूर है रोड से, तो गांव में काफ़ी कुछ कमी है, मंदिर का लगातार विकास नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन से कहते हैं मंदिर का धरोहर कोई बन नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं?
कोई आता नहीं है मतलब इलेक्शन के टाइम नेता वगैरह तो क्या कहते हैं? हम लोग उनसे बराबर रिक्वेस्ट करते हैं जी कि हमारा विकास किया जाए इस देहाती क्षेत्र में जी। इतना काफी मंदिर है आप देख सकते हैं, बहुत काफी धराशायी हो खंडहर में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे जी, लेकिन यहाँ काफी मंदिर इस निराधार में यहाँ के राजा के वो किस स्थिति में यहाँ पर ला करके बनाए थे जी, इस समय कोई आवागमन का रास्ता नहीं। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं कुश्ती शुरू हो चुका और पहला दांव सफलता के साथ चित कर दिया है शुरुआत, और बढ़िया शुरुआत सफलता के साथ चित कर दिया है पहले। अगर आपने कुश्ती नहीं देखा है तो आज आप लाइव देखेंगे आइडिया सिटी न्यूज पे कुश्ती। गांव वालों ने किया है कुश्ती का आयोजन, हर साल होता है और इस बार भी आप देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा है और आज एंजॉय लिया जा रहा है मल्लयुद्ध का, पुराने जमाने से चलता आ रहा है कुश्ती। और देख सकते हैं दो पहलवान दांव पेच शुरू है, संघर्ष जारी है दोनों तरफ से, लाल और हरे लंगोटे में दोनों की पहचान, और काफी ज्यादा ताकत लगाया है इस बार लेकिन फिर भी अच्छी वापसी, वेरी गुड रिकवर, और दोबारा लेकिन अपने आप को फिर से रोक के रखा है और पोजीशन ठीक कर लिया लेकिन संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा, और इस समय चल रहा है मुकाबला काफी आर्या पार का, पहला दिन है और पहला खेल देख सकते हैं और पट कर दिया। और आप देख सकते हैं मेले में सब कुछ उपलब्ध है, चौकी भी, लकड़ी का सामान और सब कुछ जो घर के लिए आवश्यकता के अनुसार आप देख सकते हैं, दुकानें, लोहे का काफी कुछ आप खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मेले में वो सब कुछ उपलब्ध है, मनोरंजन के साथ साथ घरेलू उपकरण भी। और यह है गांव का तालाब जहां छठ होता है, कुल तीन दिन तक चलता है ये मेला, आज है आखिरी दिन इस मेले का, कुश्ती के साथ होगा समापन मेले का। आप बने रहे मेरे साथ, गांव का मेला है जहां मन ठहर जाता है, देख सकते हैं कितना भीड़ उमड़ पड़ा है इस मौके पे, कितना दिन से मेले में आ रहे हैं और इस तरह का सामान आप बेचते हैं लकड़ी का? दस बरस से आ रहे हैं। तो कितना में मिल जाता है एक चौकी यहाँ? यहाँ चौकी का सब अलग अलग रेट है, फिर भी कुछ जैसे मैं बताएं 1200, 1500, 1000। कुल कितना मतलब आखिरी कीमत कितना है आपके तो मेले के अनुसार ना पता चलता है तो आदमी के अनुसार, फिर भी मेला में लगता है लोगों को सस्ता मिलता है, सस्ते का तभी तो इतना संख्या में आप लोग आए हैं, 10 बरस से आ रहे हैं तो फायदा होता है इस मेला में? तो फायदे के अनुसार ना यहाँ आते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार, कहाँ घर है? सरवादा। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। तो क्या जानते हैं इस मेला में 10 साल पहले का क्या अनुभव बता सकते हैं, कैसा लगता था मेला आज से कुछ दिन पहले? ऐसा लगता ही है, हमेशा ऐसा ही लगता है। पचकाना बनाओ, पकौड़ा पकौड़ी बनाई, ऐसा गोभी काटने का मशीन देखिए, ऐसा गोभी काटने। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जिला से आए हैं। तो इस मेले में कब से आ रहे हैं? और साल भी आए थे। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है इस मेला में बिक्री होता है, अच्छा लगता है इस मेला में आके? बोला हुआ कृपा है, हमको यकीन तो नहीं था। अच्छा अच्छा, कुछ दिन पहले से जो है बिक रहा है, हमको नहीं बिकेगा लेकिन उम्मीद है कि आप बिकेगा। लेकिन और जरूर इस तरह का सामान तो घरेलू सामान जरूर मिलेगा, और कहते हैं गांव का मेला है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ से आए आप? आए थे परमबीघा से।
यहाँ से बहुत दूर है? बहुत दूर है, 3.5 कोस जमीन है। अच्छा अच्छा, ये बाबा से भी जान लेते हैं, कहाँ से आए हैं बाबा? हम तो आए हैं बरनौसा से। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहते हैं ये मेला कितना दिन से विख्यात है? बरनौसा जानते हैं? बरनौसा बगल में, मतलब रास्ते में है, देखा हूँ। तो कहने का मतलब ये मेला कितना दिन से लग रहा है बाबा, क्या कुछ जमाने से लग रहा है? आप कितने दिन से आ रहे हैं? वो तो जब से ख्याल है हम तो आइए रहे हैं, बचपने से। बचपने से यानी 20-30 साल? ज्यादा से। तो हर बार मेला ऐसे ही लगता है कि कुछ समय के साथ बदल रहा है मेला? नहीं, बदल नहीं रहा, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। पहलवान की नाम है? क्या नाम है? रविंदर कुमार। रविंदर कुमार कहाँ से आया सर? आत्मे से। आत्मे से है, किससे लड़ेंगे? लड़ेंगे पहलवान मिलता ना। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों पूछ रहे हैं लड़ेंगे, तो देखिए मर्जी से लड़ाई किया जाता है और दोनों पहले सेटिंग कर रहे हैं कि लड़ेंगे हम दोनों, तो बिल्कुल लड़ने के लिए अब तैयार हैं। स्थानीय लोकल सपोर्टर्स, नगाड़े और उनके साथ गांव वाले लोग, कुश्ती का मुकाबला प्रतियोगिता चल रहा है। ये खेल है, कोई युद्ध नहीं, जहां केवल आनंद के लिए इस तरह का भीड़ इकट्ठा करते हैं गांव वाले लोग। तो आपने देखा आत्मा गांव, कुश्ती से लेकर मेला तक, और यही यहाँ आकर मालूम चला ये धरोहर जिसको बचाने के लिए गांव वाले लोग हर वर्ष लगाते हैं मेला, और इनका कहना है विकास चाहिए, यह हमारा धरोहर है। देख सकते हैं मंदिर जो खंडहर में बदल रहा है, सुधार की आवश्यकता है, पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इसके लिए गांव वाले एक ही बात कहते हैं, इसी भीड़ से ढूंढा जाता है पहलवान, और फिर दंगल शुरू होता है। ढूंढा जा रहा है पहलवान, कौन लड़ेगा इस बार? बाबा हमारे पुराने जमाने के पहलवान है, क्या नाम है आपका दादा? भगवत सिंह यादव। तो कुश्ती से बहुत आपको लगता है लगाव है? बहुत प्रेम है जी, प्रेम है। तब तो देख रहे हैं कि आज इस कुश्ती में इंपायरिंग कहा जाए, जो भी कहे जी जी, रेफरी हैं जी। तो कैसा चल रहा है मुकाबला इस समय? बहुत बढ़िया चल रहा है, रोमांचक चल रहा है। तो कहाँ से आते हैं पहलवान, इसी भीड़ से? जी नहीं, हाँ यही भीड़ से आते हैं, सब दूर दूर के लोग आते हैं। दूर दूर के लोग आते जी, हैं जी 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 जी। अभी शिवरात्रि धरोहर है, हम लोग का पूर्वजों का बनाया हुआ चीज है जी, उसको हम लोग जुगा रहे हैं जी जी। और कृपया सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि धरोहर को ध्यान में देखते हुए यहाँ के कार्यक्रम आगे बढ़े, कि यहाँ का धरोहर बचते रहे, हर साल कुश्ती प्रेम से इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर होते रहे, यही हम लोग का मनोकामना है, भगवान की कृपा से हो रहा है। देख सकते हैं धरोहर है गांव का, जिसके लिए आज इतना मेला लगता है, कितना प्रसिद्ध है कि आज भी इतना पूजा जाता है इस जगह को, इस स्थल पे इतने लोग इकट्ठा है जी, 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 क्या जादू है जी, इस आत्मा गांव का? ऐसा बाबा का कृपा है, ऐसा बाबा का कृपा है जी, जी। लाठी के
कलाकार। जी मेरा नाम सर्वेश प्रसाद हुआ। ऐसे 2002 से हम लोग जो ये मेला के नवयुवक दल बना करके चला रहे हैं। अब से अभी तक मेला बढ़ते ही गया है और कहें तो गांव का भी बड़ी विकास हुआ है। इसमें जो अधूरा कार्य हुआ सरकार के तरफ से एक बाउंड्री बाल हुई है, तो हम लोग चाहते हैं कि मीडिया में ऐसा बात आए कि जो कार्य अधूरा हुआ है वो पूरा हो। और जो ये पीछे भी देखिए कि बड़ी सारे मंदिर है और माने नौ मंदिर यहाँ हैं सब मिला करके। नौ मंदिर में हम लोग कुछ मंदिर का पेंट रंग रोगन करने का भी काम किए हैं। ये रंग रोगन कर रहे हैं, देखिएगा कि अगले साल वो मंदिर हुआ। इस वर्ष ये तीन मंदिर का रंग रोगन हम लोग कमेटी के तहत कराए हैं, जिसमें 41 सदस्य हैं, जिसका अध्यक्ष अरुण जी हैं, उपाध्यक्ष हम सर्वेश प्रसाद हुए हैं और सचिव जो है जयपाल प्रसाद है और बड़े से ऐसे व्यक्ति 41 को हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके घर द्वार से काम छोड़ करके भी मेले में सहयोग प्रदान करते हैं और शांति बनाने में सब लोग सहयोग करते हैं। ये मंदिर का भी जो आमदनी हुआ, मंदिर में जीरा डालने के तालाब में, मंदिर का जो तालाब है उसमें जीरा डालें जिससे कि अगले वर्ष 1.5 लाख में उसका हम लोग सामाजिक तौर पर उसको बेच करके ये कुछ कार्य जो हुआ है उसमें होता है। हाँ, आपका क्या कहना है, क्या नाम है आपका? प्रसाद, अवध प्रसाद यादव, आत्मा के रहने वाले हैं। इसी के बारे में बात करना है, वो अच्छा सा मेरे को चलाना है, थोड़ा जहाँ तहाँ है उसको काम आप करवाना चाहते हैं कि जो कि हो जाए। अभी देखिए कुश्ती वगैरह हो रहा है, ये सब मंदिर वगैरह अभी पताइया चल रहा है, अगर जहाँ तहाँ छोटा बड़ा है उसको काम हम लोग चाह रहे हैं कि आगे बढ़े मंदिर और कि अच्छा लगे कि पूर्वों से चलते हुए आ रहा है, इसका हम बढ़ाना चाहते हैं। और क्या रखें, रह चुका हूँ आत्मा पंचायत से। सर सही मायने में अगर पूछा जाए तो मेरा जब से होश हुआ है तब से मैं समाज सेवा में लगा हूँ और इस गांव के विकास के प्रति भी बहुत सारे बात मैं अपने दिमाग में रखता हूँ कि विकास कैसे हो। लेकिन जो पूर्वज लोग इस धरोहर को छोड़ करके गए हैं उसी को आज तक हम लोग ढोते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं उस समय से अभी तक यही देखता आ रहा हूँ कि आज तक सरकार से हम लोगों को किसी प्रकार का कोई फंड से कोई सहयोग हम लोग को नहीं मिला है। लेकिन बाहर से दूर दूर से लोग जब इस मेले में आते हैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में तो यहाँ के मंदिर को देख करके लोग ताजुब रह जाते हैं कि इस तरह का धरोहर यहाँ बना हुआ है, फिर भी सरकार का कोई ध्यान इसके ऊपर नहीं है, कोई निदान अभी तक हमारे समझ से नहीं हुआ है। एक बार मैं प्रयास किया था जब पंचायत समिति का चुनाव मैं जीता था तो MLC के रूप में हमारे राजू यादव जी का पत्नी जीती हुई थी तो मैं उनको इस मेले में लाया था और अभिनंदन समारोह के रूप में उनके साथ तमाम जनता लोग हमारे कमेटी के लोग मनाए थे और उसमें इस धरोहर के संबंध में हम लोग बात रखे थे तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ का इतिहास लिख करके दीजिए। तो हम लोगों ने एक इतिहास बना कर करके उनको दिया और वो जो है विधान परिषद में इस आवाज़ को उठाने का काम किए और पूरा फैक्स के माध्यम से इसको या तो पूरा तत्व विभाग कहिए, अभी पूरी तरह से हम लोगों को भी जानकारी नहीं है कि ट्रस्ट में जुटा है, पूरा तत्व विभाग में जुटा है, लेकिन उसी के माध्यम से ये बाउंड्री का कार्यक्रम हुआ। लेकिन यह भी जो है अर्धनिर्मित है, पूर्ण रूपेण इसका कार्य अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ जो कमेटी के तहत हम लोग काम करते हैं, ये हम लोग को लक्ष्य है कि तालाब है, तालाब के चारों ओर सीढ़ी बन जाना चाहिए, इसके चारों तरफ जो फर्श है उसका सौंदर्यीकरण हो जाना चाहिए ताकि हमारे कमेटी में और मजबूती प्रदान हो, हमारे दूर दूर से आने वाले लोग जो महाशिवरात्रि के अवसर पर आते हैं उनको अच्छा लगे, सरकार का भी नाम रोशन हो। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई हम लोगों को अभी तक सहयोग नहीं मिला है, इसलिए मैं भी आप लोग से भी गुजारिश करता हूँ कि इस बात को दूर दूर तक जितना हो सके पहुँचाएँ ताकि हम लोग का कल्याण हो और यथासंभव हो हम लोग आपका सहयोग भी करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह, ग्राम आत्मा के रहने वाला हूँ। मेरा जब से याद हुआ है
तब से मैं देख रहा हूँ कि मेला लग रहा है, उसी को हम लोग अच्छा ढंग से लगाना चाहता हूँ और उसका देख रेख हम लोग जो कमेटी का सदस्य भी हैं जो यहाँ तैनात रहते हैं, और अभी तक के तो पार लग ही रहा है, आगे दिन भगवान जाने। और यहाँ जितना जो मंदिर है, दो तीन मंदिर ही सही है, बाकी मंदिर जो गिर रहा है, ढह रहा है, इसका कोई दिखाव नहीं है, पूरा ढोरी कचड़ा गनौड़ा पूरा सभी डाला हुआ रहता है मंदिर में, इसको कहने से पूरे समझ लीजिए कि वो बेकार हो जाता है, आदमी को तकलीफ होता है। और क्या बोले, यहाँ धर्मशाला बहुत ज़रूरी है, जो रात में यात्री लोग आते हैं माँ बहन वो बहुत तकलीफ़ से यहाँ गुजारा करते हैं, ठीक है। और क्या बोले, कम बोलना ज़्यादा समझना चाहिए आदमी को, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप लोग का भी इसमें सहयोग हो और हम लोग भी आपको सहयोग करेंगे, जितना दूर दूर तक इस बात को फैलाएं कि आत्मा में इस तरह का धरोहर है और इसका सौंदर्यीकरण कैसे हो, विकास कैसे हो। हम लोग पूरी तरह से, पूरी कमेटी के लोग पूरे करने के लिए तैयार हैं, इसका विकास चाहे जिस तरह से हो। आइडिया सिटी न्यूज, दिल से मेरे तरफ से धन्यवाद।